दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं नॉर्मली और यहाँ पर दोस्तों हम आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाले हैं कि किस तरह का माहौल है, कैसा है दोस्तों और किस तरह का एरिया है, सब कुछ दोस्तों। और फ्लाईओवर से लेके आज आपको पूरा पहाड़ का एरिया, वाटर एरिया और भी दोस्तों बंदर कहाँ मिलता है, डिस्को का एरिया सारा कुछ दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर एक हॉल है जिसमें दोस्तों शादी भी अक्सर होते रहता है, रिसेप्शन वगैरह होते रहता है। तो उसका एक छोटा सा ओवरव्यू आपको देते हैं कि किस तरह का है, और अगर आप यहाँ पर है दोस्तों नौ मंडी में तो किस तरह से आप यहाँ पर रिसेप्शन का इंतजाम कर सकते हैं, देख सकते हैं और किस तरह का काम होता है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह का कुछ यहाँ पर है। और ये रहा दोस्तों मेन गेट। चलिए मेन गेट से हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सजावट वगैरह यहाँ पर किस लेवल का होता है। तो दोस्तों आप अलग अलग जिस हिसाब से चाहे वैसे करा सकते हैं। आपको ये जो है दोस्तों इस तरह का हॉल मिलेगा जो काफी बड़ा है दोस्तों, 2000 से लेकर 3000 लोग आराम से यहाँ पर खा पी सकते हैं। उस तरफ लड़कियों का है, इस तरफ लड़कों का है, और दोस्तों इस तरह का कुछ यहाँ पर बफे सिस्टम वगैरह लगे रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का कुछ यहाँ पर मिलता है। और ये रहा दोस्तों हमारा आज का रिसेप्शन का हिसाब किताब जो दोस्तों देख सकते हैं हट वगैरह बना हुआ है। तो चलिए बाहर के एरिया चलते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि फ्लाईओवर किस तरह का बना है, कैसा बना है और ये फ्लाईओवर कहाँ से कनेक्ट होता है और कहाँ तक जाता है। तो ये दोस्तों थाना आ गया और थाना के जस्ट पास से ही दोस्तों यहाँ पर फ्लाईओवर है। वैसे नीचे वाला रोड अभी चालू है लेकिन दोस्तों जो फाटक है वो बंद हो चुका है। तो अब अगर आपको जाना है बाजार वगैरह तो आप ऊपर से ही जा सकते हैं, नीचे से जाने का कोई इंतजाम दोस्तों यहाँ पर नहीं किया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। वैसे फ्लाईओवर ये काफी चौड़ा है दोस्तों, आराम से दो गाड़ी, दो बड़ी ट्रक दोस्तों आराम से पास हो सकते हैं और तीन कार दोस्तों एक साथ चल सकते हैं। काफी जबरदस्त दोस्तों बनाया गया है, पूरा का पूरा ग्रिप के लिए दोस्तों यहाँ पर गिट्टी और रबर का इस्तेमाल किया गया है। सामने में टिस्को क्वार्टर बना हुआ है जो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत माहौल है। और नीचे जस्ट यहाँ पर दोस्तों हमारी नानी का घर है जहाँ पर हम अभी आके रुके हैं। तो ये रहा टिस्को क्वार्टर और ये ओवरव्यू और ये दोस्तों लुक देखिए जो काफी जबरदस्त लगता है। ये 7th फ्लोर का है दोस्तों और नीचे में रेलवे ट्रैक वगैरह आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से जाली से घिरा हुआ है दोस्तों दोनों साइड। और ये हमारे कोई भाई लोग है जो पीछे आराम से बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं थोड़ा सा दोस्तों आज घूमने के लिए और आपको सारा कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का कुछ यहाँ पर इसको क्वार्टर है और नीचे में दोस्तों इसका गेट वगैरह दिया गया है। आगे में एक दोस्तों हॉस्पिटल भी बन रहा है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है दोस्तों आयरन से, मतलब दोस्तों फ्रेम से खड़ा हो रहा है, किसी भी तरह का ईटा बालू गिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस तरह का है और यहाँ से साइड से रास्ता है दोस्तों जो आप बाजार वगैरह जा सकते हैं। तो देखिए अभी आपको हल्की सी मतलब रोड जो है चहल पहल दिख रही है दोस्तों, ये शाम के 5 बजे रहे हैं और ठंड बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर। तो सामने में आपको स्ट्रक्चर वगैरह दिखना शुरू हो गया होगा दोस्तों, जो नया हॉस्पिटल क्रिएट हो रहा है, जो टाटा मेन हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं वो क्रिएट हो रहा है। वैसे हॉस्पिटल जो है अभी पहाड़ के ऊपर है लेकिन ये स्ट्रक्चर दोस्तों देख सकते हैं जो काफी लाजवाब है, पूरा का पूरा दोस्तों देख सकते हैं लोहा का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर अपना हीरो का शोरूम वगैरह भी खुल गया है, काफी यहाँ पर डेवलपमेंट आ गया है दोस्तों। डेवलपमेंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पर लोग काफी अच्छे हैं, आराम से दोस्तों आपको खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा। ये बालीगरन का रोड है, यहाँ से आप बाइक से जा सकते हैं लेकिन कार वगैरह लेके जाना है तो आगे से आपको जाना होगा। शाम में अगर फिश वगैरह चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आप देख रहे हैं सामने में जैकेट वगैरह भी बिक रहा है। और अभी हम दोस्तों यहाँ पर जा रहे हैं डीपीएस की तरफ, जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा मतलब नीचे से नाला वगैरह बहता है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर पुल बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, घूमने फिरने में किसी भी तरह की कुछ भी ऐसी परेशानी नहीं है। यहाँ से दोस्तों अंदर जा सकते हैं आप, यहाँ पर एटीएम वगैरह दिखाया दोस्तों। और हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं दोस्तों तो ऐसा बोला जा रहा है कि ठंड जो है बढ़ते चले जा रही है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आगे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर बहुत अच्छी शाम में दोस्तों एक शॉप लगती है जिसमें आप चिकन मंचूरियन या फिर दोस्तों चाउमीन या फिर किसी भी तरह का चिकन पकौड़ा या फिर एक फ्राइड राइस कुछ भी दोस्तों यहाँ पर खा सकते हैं, जो काफी जबरदस्त रहता है। तो अभी शाम में अगर लगा होगा तो हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ पर लगता है।
वैसे दोस्तों ये जो माहौल है यहाँ का काफी जबरदस्त है। इवनिंग के टाइम में घूमने फिरने के लिए ये काफी जबरदस्त रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा स्कूल वगैरह बनाया गया है जो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर साइड में भी कुछ दोस्तों दुकानें वगैरह आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं टिस्को के कितने बड़े बड़े ट्रक वगैरह यहाँ पर है। तो अभी जो ये रोड दोस्तों, यहाँ पर एक मंदिर भी है। अब किनका मंदिर है वो तो नहीं पता, लेकिन मंदिर है। यहाँ पर देखिये सामने में जो ठेला लगा हुआ है, बस यहाँ पर सारी चीज आपको मिलेगी A1 क्वालिटी में। तो अभी दोस्तों हम घुस चुके हैं दोस्तों हमारे, मतलब क्या बोलेंगे कि कश्मीर में भी बोल सकते हैं, कन्याकुमारी भी बोल सकते हैं, ऐसा एरिया दोस्तों। तो अभी हम जा रहे हैं, ये टिस्को का गेट वगैरह है पूरा ऊपर में। हल्की हल्की आपको दोस्तों यहाँ पर कंपनी वगैरह नजर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कंपनी उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये जो टिस्को का गेट है, आप बोलेंगे कि गेट का क्या काम, तो गेट का ये काम है कि जो भी टिस्को वर्कर है यहाँ से, मतलब आयरन वगैरह कुछ भी ऐसा चोरी चमारी करके नहीं जा सकते। टाटा स्टील जो आप देख सकते हैं भैया, इस तरह का कुछ है। और यहाँ पर चेक इन वगैरह होगा, अगर कंपनी का कोई गाड़ी वगैरह या कुछ भी आएगा दोस्तों, तो वो सारा चीज को यहाँ पर से चेक करे बिना आगे बढ़ता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर एक स्कूल है दोस्तों जो काफी प्रसिद्ध स्कूल है यहाँ के, जो काफी मतलब बड़े लोगों के बच्चे लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। थोड़ा महंगा भी है, थोड़ा कॉस्टली भी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त होती है। ये रहा स्कूल दोस्तों, और यहाँ पर प्ले ग्राउंड वगैरह भी खुद का यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ से दोस्तों अभी हम ऊपर चलते हैं, और ये जो है दोस्तों क्वार्टर एरिया है। यहाँ के लोगों को ही उठाकर दोस्तों वो जो 7 तल्ला बिल्डिंग आप देखे ना, वहां पर शिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये सारा एरिया को दोस्तों अब क्या किया जाएगा, यहाँ से भी आयरन निकाला जाएगा। टिस्को का ऐसा मानना है दोस्तों कि यहाँ पर भी बहुत सारे आयरन है, तो ये भी सारे एरिया को दोस्तों निकाला जाएगा, पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा, जो मुझे अब तक सही नहीं लग रहा है। लेकिन टिस्को क्या करता है, जितने पेड़ वो काटता है उतना लगा भी देता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर वगैरह के कुछ हुआ है, यहाँ पर दोस्तों सारी कुछ यहाँ पर गिरी हुई है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ बनने का, मतलब कंपनी वगैरह बनने का बिल्ड हो रहा है, लेकिन ये सब सारे दोस्तों टिस्को क्वार्टर थे। जो टिस्को में काम करते हैं लोग, हाई लेवल में जो रहते हैं, उनको ये क्वार्टर दिया जाता है जो परमानेंट हो जाते हैं, जिसको दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी या भी बहुत सारी चीज है दोस्तों, वो सारी चीज यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा पार्क है जो दोस्तों काफी जबरदस्त है, 1 किलोमीटर का पार्क है दोस्तों। आप 1 किलोमीटर कैसे होगा दोस्तों कि इसमें राउंड एक मतलब फाउंटेन बना गया है, उसको अगर आप पूरा का पूरा चलेंगे तो 1 किलोमीटर के हिसाब से आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टिस्को क्वार्टर जो है, आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त यहाँ पर बनाया गया है, और बहुत ही डिटेलिंग पे दोस्तों ये लोग ध्यान दिया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से दोस्तों ये रहा पार्क, जो आप देख सकते हैं दोस्तों काफी जबरदस्त है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर थोड़े थोड़े दूर में छोटे छोटे पार्क नजर आएंगे, मतलब घूमने फिरने के लिए टिस्को यहाँ पर काफी जबरदस्त इंतजाम किया था दोस्तों, जो आज के टाइम में भी अवेलेबल है। और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सेफ्टी का भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसी तरह का कार वगैरह कुछ आए तो ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये है दोस्तों मतलब बिग बाजार, इसको बोल सकते हैं, अभी बिग नहीं है, रिलायंस हो गया दोस्तों वो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक मॉल टाइप का है जिससे आप कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, चाहे बड़ी सी बड़ी हो या छोटी सी छोटी हो। सामने में दोस्तों बाली झरन है, लेकिन हमें जाना है ऊपर, क्योंकि हम जहाँ पर आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों, वहां पर बंदरों का हुजूम है, और वो दोस्तों एरिया काफी जबरदस्त है। और मेन टिस्को का गेट है दोस्तों, जो आपको दिखाने वाले हैं कि जैसे टाटा जमशेदपुर में दोस्तों टिस्को है, उसी की तरह यहाँ पर भी गेट बनाया गया है, जो दोस्तों एक नेक्स्ट लेवल का हिसाब किताब यहाँ पर दिया गया है। तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े दूर में टिस्को की ऑफिस वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, अलग अलग मतलब कैंपेन वगैरह देखने को मिलेगा, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जो एक मतलब अच्छा अनुभव देता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये भी एक छोटा सा पार्क है दोस्तों, ये रहा उसका मेन गेट। यहाँ से भी दोस्तों आप अंदर में जा सकते हैं। मेडिटेना करके कुछ दोस्तों यहाँ पर पार्क वगैरह है, जिसमें मेडिकल के जितने भी मतलब यूज होते हैं दवा वगैरह में, वो सारे पेड़ पौधे वहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों नर्सरी, लेकिन नर्सरी अभी दोस्तों आगे आपको देखने को मिलेगा, ये नर्सरी का बाउंड्री है दोस्तों। और यहाँ पर अब बंदरों का हुजूम दोस्तों देखना शुरू हो जाएगा, और आपको ये एरिया कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इधर हम जाएंगे तो देखिए अभी नर्सरी हम घुसने वाले हैं दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर साइड में बंदर वगैरह दिखना शुरू हो गया। वो रहा दोस्तों बंदर, जो आप देख सकते हैं वो रहा, देख लीजिए
रोड रास्ते में दोस्तों बंदर है, लेकिन ये इंसानों को कुछ करते नहीं है। और ये रहा दोस्तों नर्सरी का गेट आगे में, जो एक बहुत ही जबरदस्त और सबसे पहला पार्क है दोस्तों यहाँ का, नवा मंडी का काफी खूबसूरत सा पार्क है। अंदर में दोस्तों आप प्लांट वगैरह भी परचेस कर सकते हैं और बहुत ही दोस्तों रिजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ से निकल गए दोस्तों क्योंकि डिस्को क्वार्टर के एरिया में जाना है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत ही जबरदस्त माहौल में दोस्तों हम जाने वाले हैं। और आपको ये एरिया कैसा लग रहा है, अगर आप यहाँ पर घूमेंगे दोस्तों कपल भी घूमेंगे तो भी दोस्तों काफी रोमांटिक है, क्योंकि दूर दूर तक कोई इंसान वगैरह नहीं रहता और आप कुछ भी कर सकते हैं, रास्ता में मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कार वगैरह पार होते रहता है। लेकिन डरने उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऐसे बड़े जानवर आपको नहीं दिखेंगे, बस छोटे मोटे बंदर वगैरह, कुत्ता बिल्ली ये सब नजर आएगा दोस्तों, बाकी ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा जिससे आपको डर है या किसी तरह का कुछ भी लगेगा। क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि रोड के साइड साइड में लाइटिंग का इंतजाम किया गया है, मतलब लोग यहाँ से पार होते हैं। यहाँ पर दोस्तों टिस्को के जो ऑफिसर है वो भी यहाँ पर से पार होते हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको सेफ्टी का ध्यान रखते हुए थोड़े थोड़े देर में पुलिस वगैरह भी पार होते हैं, जिससे आपको दोस्तों किसी भी तरह का दिक्कत वगैरह परेशानी नहीं होगा। और शाम के टाइम में अगर यहाँ पर आप घूमेंगे तो काफी जबरदस्त माहौल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आगे का जो सीन है बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दोस्तों बनाया गया है, मतलब दोस्तों कुदरत जो है आपको भर भर के यहाँ पर देखने को मिलेगी, अलग अलग हिसाब किताब यहाँ पर दोस्तों नजर आएगा। सामने मक्खर वगैरह देखिए कितना खूबसूरत है। और ये एक रिजॉर्ट टाइप का है जिसमें दोस्तों आप स्टे कर सकते हैं, अंदर में जाके दोस्तों रुक सकते हैं और अपना जो भी है दोस्तों जितने दिन के लिए रुकना है वो रुक सकते हैं। सारा प्लान वगैरह सब कुछ दोस्तों आपको अंदर मिलेगा, यहाँ पर आप रुकिए इंजॉय करिए, चाहे शादी के बाद आए शादी के पहले आए, सारा इंतजाम यहाँ पर मिलता है। और यहाँ हम जैसे घूमेंगे दोस्तों तो बहुत सारे बंदर हमें फिर से नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर रोड के साइड में फिर से बंदर वगैरह नजर आ गई, तो थोड़ा हम गाड़ी रोक कर दोस्तों आपको बंदर वगैरह दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरह का। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए कितने सारे बंदर वगैरह, मंकी, बड़े मंकी, छोटे मंकी, मझले मंकी, सारे मंकी दोस्तों यहाँ पर नजर आए हैं। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर कभी भी आप आए, ये मंकियों के लिए दोस्तों कुछ भी खाने का सामान जरूर लाए। एक बेचारा देखिए यहाँ पर खड़ा हुआ है जो दोस्तों देखिए छुप के देख रहा है दो लोग कि ये बड़ी गाड़ी कौन सी है, मतलब दोस्तों वो लोग भी थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं कि टिस्को का मेन गेट, कि यहाँ से दोस्तों लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं और यहाँ से सारा कुछ दोस्तों डंपिंग एरिया, सारा कुछ मतलब टोटल चीज जो बोला जाए वो सारा चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये रहा दोस्तों बड़ा सा बैनर टिस्को का, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम हल्के हल्के रास्तों में जाएंगे दोस्तों, और देख लीजिए कि टिस्को जैसे शुरू हो गया है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है दोस्तों, जिसकी वजह से धूल दर्द और जैसे बोला जाता ना कि एकदम पक्का रोड, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए ये रहा दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट टिस्को के गेट का। देख सकते हैं नौ मंडी में भी दोस्तों काफी बड़ी पैमाने पे टिस्को अपना काम कर रहा है। जो आप बोलते हैं ना कि लोहा कहाँ से निकलता है, देख लीजिए बड़े बड़े मशीन यहाँ पर देखने को मिलेगी, देख लीजिए कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं दोस्तों जिनका यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर गेट में लगे रहता जैसे जमशेदपुर में लगे रहता उस तरह का, एक तरफ कार हो गया एक तरफ बाइक हो गया, सारा कुछ दोस्तों यहाँ पर लगे रहता। और अंदर में आप अभी गाड़ी जो पार हुआ दोस्तों आप देखे होंगे कि कितने बड़ा उसका चक्का था, मतलब बड़ा वाला जो दोस्तों होता है वो चीज। तो देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करने जाते हैं, हमने गाड़ी खड़ा करके यहाँ पर स्टाफ बस वगैरह खड़ी हुई है, और दोस्तों देख सकते हैं बाइक वगैरह है कार वगैरह है। तो अंदर जाने का तो अलाव है नहीं दोस्तों, हमें जो काम करते हैं वो जा सकते हैं, तो हमने दोस्तों वहाँ से रिवर्स कर लिया। तो दोस्तों आप इंजॉय करिए ये सारा सीन, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे दोस्तों और आपको यहाँ पर दिखाएंगे थोड़ी सी एरिया वगैरह के किस तरह का यहाँ पर माहौल बने रहता है। तो दोस्तों देख सकते हैं फिर से रोड रास्ते में वही सेम रोड में दोस्तों यहाँ पर बंदर वगैरह हमें दिख रही है, जो दोस्तों देख सकते हैं कुछ उस तरह से दोस्तों हमें देखा जा रहा है। ये लोग सोच रहे कि कुछ खाने को मिले, लेकिन हमें नॉलेज में ही नहीं था, वरना बिस्किट वगैरह कुछ भी दोस्तों इन लोगों के लिए जरूर लेके आते हैं। खैर जो भी है दोस्तों देख सकते हैं आगे का भी रास्ता काफी खूबसूरत बनाया गया है, मतलब दोस्तों यहाँ पर कुदरत जो है आपको भर भर के नजर आएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का दोस्तों मतलब ऐसा नहीं कि गंद मचा हुआ है या फिर भीड़ भड़कता है या फिर कुछ ऐसा है, कुछ नहीं। अगर आप पैदल भी टहलेंगे दोस्तों तो प्योर प्योर एयर जो बोलते हैं वो चीज आपको देखने मिलेगा।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वही वाला रोड जो दोस्तों हम आए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो सारा चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा आप इंजॉय करिए ये रोड रास्ता, क्योंकि अभी हम जो जा रहे हैं दोस्तों वो TMH की तरफ से जाएंगे और आपको टाटा मेन हॉस्पिटल भी दिखाएंगे दोस्तों कि अभी किस माहौल पे है। इससे पहले वाला वीडियो को दोस्तों हम एंड स्क्रीन में आपको दे देंगे ताकि उसमें भी आप देख सकते हैं कि नौ मंडी का मतलब कुछ दिन पहले कैसा था, किस तरह से दोस्तों वहाँ पर जो फ्लाईओवर है वो बन रहा था और भी बहुत सारी चीज़। और किलगुरु वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो वो भी दोस्तों देख सकते हैं, और नौ मंडी के स्टेशन का वीडियो देखना है तो वो भी हमने दोस्तों डाला हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम जा रहे हैं नीचे और थोड़ा सा आप इंजॉय करिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं, थोड़ा म्यूजिक भी इंजॉय करिए ताकि इंजॉयमेंट जो है आपके साथ और हमारे साथ लगे रहे। तो ये रहा नर्सरी का गेट जो आप देख सकते हैं दोस्तों, और अब यहाँ पर भी कुछ बंदे वगैरह बने हुए बैठे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से दोस्तों अगर हम यहाँ से राइट लेंगे तो अब हम जाएंगे दोस्तों टाटा मेन हॉस्पिटल। एक दोस्तों TMH अपना जमशेदपुर में है और ये दोस्तों नौ मंडी वाला TMH है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर फूड प्लाजा वगैरह दोस्तों दिया गया है, खाने पीने का इंतजाम या किसी भी तरह का इंतजाम सारा कुछ दोस्तों दिया गया है। तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों TMH की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसा और किस तरह का माहौल है। तो ये सामने रहा दोस्तों TMH, देख सकते हैं टाटा मेन हॉस्पिटल, टाटा स्टील हॉस्पिटल। और यहाँ पर दोस्तों सारे मतलब यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह भी खड़े हुए हैं किसी इमरजेंसी के लिए। जैसा हमने बोला दोस्तों कि हम दूसरे रास्ते से लेके जाएंगे, तो ये जो है दोस्तों यहाँ से अगर जाएंगे दोस्तों नीचे तो स्टेडियम के लिए पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेडियम भी बना हुआ है। वैसा टाटा के जैसा नहीं है लेकिन उतना ही बड़ा है दोस्तों कि आराम से फुटबॉल वगैरह यहाँ पर खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और छोटे छोटे आपको दोस्तों पार्क वगैरह भी रास्ते में देखने को मिलेगी। तो चलिए आप इंजॉय करिए, हम आपको आगे का सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने जैसे बताया कि सामने में दोस्तों आने के वक्त हमने बताया था कि ये जो है एरिया ये वाला जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है साइड में, ये एक मॉल टाइप का है दोस्तों जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं यहाँ पर अंदर में जाके दोस्तों। और छोटे से पार्क वगैरह भी बनी गई है बच्चों लोग का खेलने वगैरह के लिए, और नीचे में दोस्तों अंडरग्राउंड यहाँ पर जो शॉपिंग मॉल है वो है। तो इस तरह का दोस्तों कुछ यहाँ पर माहौल बने रहता है। और ये रोड जो है दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा रोड है, अगर आप राइड वगैरह करेंगे या किसी भी तरह का दोस्तों यहाँ पर चले उलेंगे तो कोई नहीं है, बहुत ही जबरदस्त और खुशगवार लगता है। मतलब दोस्तों एकदम मतलब दिल खुश हो जाता है इस तरह का कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा दोस्तों छेड़ दिए थे किसी को, खैर रहने दीजिए। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर सारे लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, मिल के रहते हैं। और ये रहा दोस्तों पार्क। तो चलिए हम पार्क की तरफ घुसते हैं और दिखाते हैं आपको कि पार्क आज खुला होगा तो अंदर से ओवरव्यू देंगे, अगर नहीं खुला होगा तो घूम के आ जाएंगे। लेकिन पार्क जो है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है। तो ये रहा पार्क, लेकिन क्लोज लिखा हुआ है तो सॉरी उसके लिए। लेकिन इस तरह का पार्किंग है दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग में अपनी कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह या फिर अपनी वाइफ वगैरह को पार्क कर दीजिए और अंदर आराम से घूमिए दोस्तों। तो ये पार्क काफ़ी खूबसूरत बड़ा हुआ बड़ा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हर पार्क की अलग 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 दोस्तों क्वालिटी वगैरह देखने को मिलती है। तो इस तरह का कुछ है, ये रहा दोस्तों गेट वगैरह। और हम ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी का बना हुआ है, फ्रेम वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत सा है। लेकिन पार्क अगर खुले रहता तो आपको ओवरव्यू जरूर देते पार्क का, लेकिन बंद है तो आप क्या करें। चलिए दिखाते हैं आपको आगे का सीन किस तरह का। हर गाड़ी के ऊपर में झंडा लगा हुआ है। अब ये झंडा का मतलब ये है दोस्तों कि आप ये मत सोचिएगा कि ये जो झंडा है बस ऐसे ही लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि टिस्को के अंदर जब गाड़ी घुसता है दोस्तों तो गाड़ी अंदर है तो बहुत बड़ी बड़ी रहती है, तो छोटी छोटी गाड़ी जो है नजर नहीं आती। तो इस वजह से झंडा को दोस्तों हाइट करके लगाया जाता है, जैसे इस गाड़ी में भी देख सकते हैं लगा हुआ है। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर फ्लैग वगैरह जो है उसको लगाया जाता है
ताकि दोस्तों किसी भी तरह का हादसा वगैरह नहीं होता। इसलिए दोस्तों सेफ्टी पर्पज के लिए जितने भी गाड़ी अंदर जाते हैं उसमें अलग अलग बैच और कोड नंबर देकर दोस्तों उनके ऊपर एक फ्लैग लगाया जाता है, ताकि सारा कुछ दोस्तों समझ में आए कि गाड़ी है पीछे आगे दाएं बाएं कहीं भी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रहती हैं अंदर में दोस्तों कि उनका टायर का साइज दोस्तों एक ब्लोरो के बराबर होता है। तो ऐसा गाड़ी सब रहता है उसके सामने दोस्तों झंडा लगाना तो जरूरी है, वरना कहीं भी दब जाए और पता नहीं चले, तो इसलिए इस तरह का कुछ रहता है। तो चलिए हम चल रहे हैं दोस्तों आप अपने मार्केट एरिया की तरफ और देखते हैं मार्केट में जाने लायक जगह है या नहीं, या फिर हम सीधा निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा आप एंजॉय करिए और म्यूजिक का आनंद लीजिए और देखते रहिए दोस्तों टेक ऑफ। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पर सामने में स्कूल है, तो ये रहा दोस्तों फ्रंट का एरिया, देख सकते हैं इस तरह का कुछ है। बहुत ही बड़ा स्कूल है दोस्तों और खेलने का भी जबरदस्त यहाँ पर माहौल वगैरह आपको बना हुआ है, सारा कुछ देख खेल सकते हैं लोग दोस्तों। जिम वगैरह भी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, फुटबॉल का मैच वगैरह भी होता है, और सामने में जैसे हमने बताया कि टिस्को का गेट भी है। अगर टिस्को की कोई गाड़ी यहाँ से पार हुई दोस्तों तो उसको चेक की करे बिना छोड़ा नहीं जाता। तो इस तरह का कुछ है, देख लीजिए जैसे ये गाड़ी अभी चेक हुआ साइड में रखकर, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी सेफ्टी पर्पज के लिए चेक होता है, ताकि किसी भी तरह का सामान वगैरह जो है यहाँ से नहीं निकल पाए। और देख सकते हैं डिस्को का यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकी हुई है। और दोस्तों जैसे हमने बताया कि अगर आपको कुछ खाना पीना है तो ये सबसे जबरदस्त एरिया है। शाम के टाइम में दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ मिलता है ना, मतलब इसका टेस्ट दोस्तों एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगा। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो दोस्तों उसके लिए तो दोस्तों एकदम जबरदस्त है। देख लीजिए यहाँ पर खाने का भी इंतजाम किया गया है, साइड में हमारा और सामने मंदिर है। तो चलिए हम चल रहे हैं दोस्तों अब बाजार के एरिया, ताकि दोस्तों आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर रिव्यू वगैरह दे सके। तो ये रहा स्ट्रक्चर जहाँ पर टाटा मेन हॉस्पिटल बनने वाला है, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है, जो दोस्तों एकदम नेक्स्ट लेवल का है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर टिस्को क्वार्टर बन गया, तो सामने में जस्ट यहाँ पर है, और इसके अंदर दोस्तों सारा कुछ इंतजाम किया गया है। किसी का शादी पार्टी हो तो उसके लिए भी अलग सा हॉल बनाया गया है, किसी भी तरह का बड़ा विसर्जन वगैरह हो तो उसके लिए भी दोस्तों बड़ा सा हॉल बनाया गया है, मतलब हर चीज़ का दोस्तों इंतजाम रखा गया है। और साइड साइड से जो रोड है दोस्तों यहाँ पर आप जा सकते हैं दोस्तों मार्केट वगैरह, और फ्लाईओवर पकड़ेंगे दोस्तों तो सीधा आप इस पार से उस पार हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि फ्लाईओवर जो है बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। बस थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर और थोड़ा सा ये चौड़ा रहता, मतलब इस एरिया में जहाँ पर मोड़ है तो यहाँ पर दोस्तों काफी जबरदस्त होता। और यहाँ पर सोच लीजिए दोस्तों कि अगर जिसका खिड़की वगैरह यहाँ पर रहे या बालकोनी रहे उसको दोस्तों ये एरिया कैसा लगेगा। तो नीचे में कहीं पर दोस्तों जल रहा है आग वगैरह, तो उसका यहाँ पर धुआं वगैरह है। और जस्ट सामने में हमारी नानी घर है जहाँ हम रुके हैं। एनी टाइम दोस्तों ये डर लगा रहता है कि कोई गाड़ी आके टपक नहीं जाए, खैर ऐसा तो होगा नहीं कभी, मदर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का कुछ है। तो देख सकते हैं सामने सीधा निकल गया तो हमारा टाटा जमशेदपुर मिल जाएगा आपको। तो यही है दोस्तों नवा मंडी, आपको ये ओवरव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसमें से कुछ अगर आप देखना चाहते हैं कुछ भी किसी भी तरह का वीडियो तो ज़रूर बताइए वीडियो, और भी है दोस्तों चैनल पे वो भी आप बताइए कि किस तरह का है। हम थोड़ा सा दोस्तों आपको फ्लाईओवर का नीचे का एरिया दिखा देते हैं कि किस तरह का है और कैसा है। नीचे भी काफ़ी ज़बरदस्त दोस्तों रोड रास्ता सड़क वगैरह बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग यहाँ पर की गई है दोस्तों। पिलर का जो इस्तेमाल है वहाँ से किया गया है, बाकी इस एरिया को दोस्तों पूरा का पूरा भर कर डंप कर दोस्तों उठाया गया है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रिज है दोस्तों, समझ लीजिए कि आने वाले 100-150-200 साल तक कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। और सामने में जो फाटक है दोस्तों उसको बंद कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, लेकिन हो गया तो हो गया है। और अभी दोस्तों आ रहा है हमारी नानी घर, जो आप देख सकते हैं ये रहा साइड में, काफ़ी बड़ा और पुराना घर है दोस्तों, लेकिन हम यहीं रहते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। वैसे आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नया नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब
करिए। और कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको किसी और तरह का वीडियो वगैरह चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए तो वो भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। और हमें फॉलो करिए दोस्तों, ये हमारा एक ब्लॉगिंग चैनल है। हमारा मेन चैनल जो है दोस्तों टेक बॉक्स करके है, जिसमें दोस्तों बहुत सारी अपडेट आते रहती है। कोई न्यू फ़ोन हो गया, टेक न्यूज हो गया, या फिर दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग वगैरह, तो वो भी दोस्तों हम दिखाते हैं और देते हैं। तो ये रहा दोस्तों सामने फ्लाईओवर और यहाँ दोस्तों हमारी नानी का घर। तो दोस्तों हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। आपको ये वीडियो टोटल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए। और दोस्तों अगर आप पूरा का पूरा नॉर्मली आना चाह रहे हैं तो टाटा जमशेदपुर से 3 ट्रेन चलती है। एक दोस्तों सुबह में 7:25 या 15 में चलती है। एक दोस्तों दिन में 10 से शताब्दी चलती है, जो दोस्तों कोलकाता से आती है और डायरेक्ट 2 में यहाँ पहुँचाती है। और एक दोस्तों 3 चलती है, जो दोस्तों रात में पहुंचा देती है 6:30 हम लोग 3 वाले में आते हैं, बहुत ही आराम से पहुंचते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आ सकते हैं और बस तो आपको मिल ही जाएगा दोस्तों मानगो से, तो जैसे भी करके आप आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नए मामले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी सवाल है दोस्तों कमेंट में जरूर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।